इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले जो हमारे सफाई कामगार मजदूर, इनका पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मोहल्ले की सफाई और इसी तरीके से आज मोहल्ले की जमात और बाबूलाल साहब ने इनको यहाँ पर बुलाकर इनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे इत्तेहाद न्यूज़ जो इकबाल जकाती साहब है, हमारे जमील भाई है, इन्होंने हर वक्त जाकर उन्होंने न्यूज़ लेना, लोगों तक पहुंचाना, हमने अपने अपने घरों में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ जो है ये न्यूज़ को देखते रहे, उनके भी जो है काफ़ी खिदमत है। इसी तरीके जो लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज समझ करके अपना फर्ज निभाया है, आउट ऑफ द वे जाके, मतलब कुछ एक्स्ट्रा दो कदम चल करके दूसरों की मदद करने में जो आगे आए, इनका शुक्रिया अदा करना और इनकी पहचान लोगों से करा के देना कि कैसे वक्त पर किसके पास हम जाएं, तो ये सभी एक नमूना है जहां आपको पता चल रहा है कि किसने क्या काम किया, कितना अच्छा काम किया और किस किस के काम आए। सबसे पहले हमारे जो गौर कामिक भाई बहन हैं, इनका तो हम
कितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। सिर्फ ये बीमारी के वक्त पर नहीं, अपनी सारी जिंदगी सुबह 5 बजे से रात तक साफ सफाई में बगैर परेशानी के, बगैर कोई उनको शुक्रिया अदा कहते हुए भी अपने काम में लगे रहे। अब ये वक्त है कि हम ऐसे सर्विसेज को पहचानें जिसके बगैर एक अच्छी जिंदगी, साफ सुथरा जिंदगी, हिफाजत की जिंदगी नामुमकिन है। और ये उसके जिसको वॉरियर्स कहने लग गए आजकल सब, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स है जो हमारी हिफाजत हमें दिखे बगैर, हम जाने बगैर, हम एहसास किए बगैर अपनी पूरी जिंदगी भर करते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना सर्वान साथ, खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। दूसरा एक पुलिस डिपार्टमेंट है, आप कुछ बच्चों को या बड़ों को बुरा लगा रहेगा कि जब देखो तभी डंडा उठा रहे हैं, जब देखो तभी डंडा उठा रहे हैं, मगर मैं क्या, राजू सिंह साहब क्या, सदर साहब क्या, हम अभी भी बच्चे ही हैं, हम अपने हरकतों से बाज नहीं आते, तो कभी कभी डंडा ऐसे ही करते हैं, मारते तो नहीं है, लेकिन उनके वजह से जो कंट्रोल हुआ है बेलगाम शहर में और खास करके कर्नाटक स्टेट में, ये काबिल तारीफ है। और उसमें हम नहीं कहेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर, ये तो उनके इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ऑन द ग्राउंड मैंने देखा है जो पीसीज है, एएसआई है, पीएसआई है, सीपीआई है, दिन भर धूप में खड़े रहे, ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए, लोगों को वापस जाने को कहते हुए, एक कड़क भी नज़र और एक फिक्र की नज़र, कर किस लिए रहे थे वो, कि हम और आप बीमारी से बचे, आपस में हेल्दी रहे। और ये शुरू में जो हुआ, ये बहुत असर हुआ इसका, बहुत असर हुआ। आज अपने आप से, कल हम देखे बाज़ार में, अपने आप से दुकानें 6 बजे बंद हो जाती है, 7 बजे से पहले इंसान घर पहुंच रहा है। और भी एक बात है, आज सीएम साहब ने कुछ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की थी कि मंदिरें 1 जून से खुल जाएंगी, तो मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारा के बारे में पूछा गया तो मालूम नहीं करके बताए गए थे, मगर आते वक्त मैंने न्यूज़ में देखा कि सीएम का स्टेटमेंट है कि हाँ, उन्होंने मंदिर, मस्जिद, दरगाह शरीफ, चर्च, गुरुद्वारा, ये सबको खोलने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो दुआ कीजिए कि हम कामयाब हों उसमें, वो कामयाब हों, लेकिन वो मस्जिद खोल के देने से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, ये आप ध्यान रखें सदस्य, कि आपके कंट्रोल में जो चीज़ है, आपके जिम्मे जो चीज़ है, उसमें लोग हिफाजत से आए और हिफाजत से वापस जाए, वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। ऐसे नहीं कि आपने अजान दे दी और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया तो बाकी जिम्मेदारी आपकी ख़त्म नहीं होती, वहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। और ये तो फर्स्ट फेज है, ये बीमारी का हल्का सा फेज है साइंटिस्ट के हिसाब से, इसका पीक होगा जून जुलाई में। और उसके लिए हम सब आपस में एक दूसरे को हिफाजत से रखते हुए बड़े ध्यान से रहना, बड़े सिस्टमेटिक रहना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जब सारे शहर वाले अपने घर में थे, हिफाजत करके लॉकडाउन होती गई थी और कोरोना काफ़ी बढ़ रहा था, उस वक्त चंद लोगों के काम में लगे थे, जैसे हमारे होने का भाई बहन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, मेडिकल का पूरा स्टाफ है, ऐसे ही हमारे थोड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा हनीपा है, रेमानिया फाउंडेशन के खादर भाई हनिक्रा के, और खादर भाई को डांटना पड़ता था कि तुम हॉस्पिटल में मत जाओ, थोड़ा दूर रह के उनसे डॉक्टरों से बात करो, फिर भी इनके जज्बात इतने थे कि वहाँ तक पहुँच जाते थे, फिर को घर पे से काट दिया गया। साथ ही साथ मैं बहुत खुशनसीब हूँ अंजुमन इस्लाम का सदर होते
कि मेरे साथ इतनी अच्छी टीम काम पे लगी हुई थी, जैसे हमारे समीउल्लाह साहब है, अशफाक भाई है, हमारे आमिन भाई है, फाजर भाई, बाबुल भाई, चेयरमैन साहब कपूर भाई, हरीफ भाई, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कभी कुकनोली चेक पोस्ट पर जाते थे तो कभी और रास्ते पे चले जाके लोगों का ख्याल करते हुए, उनकी फिक्र और परेशानी दूर करते हुए बैठे थे। साथ ही साथ जो पेशेंट्स क्वारंटाइन में थे, और क्वारंटाइन की जो टीम मदद कर रही थी, उसमें हनीफ भाई भी थे, हमारे मोहसिन भाई थे, सदीफ थे, हमारे राहत वाले के हाजी साहब थे, आमिन भाई ने दिन रात खिदमत की है। इन्होंने भी पहले क्वारंटाइन में पेशेंट्स किसका स्वैब ले रहे हैं, किसका नहीं ले रहे हैं, डॉक्टरों से बात करना, डॉक्टरों से मिलना, हेल्थ ऑफिसर से मिलना, फिर जो रास्ते में अटके हुए हैं उनका ऐप बना के उनके ऐप से परमिशन लेना, काफ़ी कुछ काम सभी लोग किया है। साथ ही साथ हमारे मीडिया वाले एहतियात के जकाती साहब, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की कि लोगों तक क्या चल रहा है खबरें पहुँचे। कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे मौके पर जैसे कादर भाई जाकर पेशेंट्स हॉस्पिटल में पेशेंट अटेंड करना, उनको देखभाल करना, फिर बाद में उनकी दवाई तक बहुत कुछ काम कर चुके हैं। और हमारे सदर साहब, हमारे अंजुमन के सदर साहब, ये अपने दिन रोज़ाना दिन भर आकर अंजुमन में बैठकर पूरी टीम के साथ जो काम लेते थे रोज़ाना, क्या हुआ क्या नहीं, फिर क्वारंटाइन में लॉज में रहते थे वो लोगों के लिए रोज़ा खोलने का इंतज़ाम, शहरी का इंतज़ाम, सब कुछ अंजुमन के तरफ से वो किया है। और मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और हमारे बड़े सेठ साहब, इन्होंने जो ईद में जो लोगों की मदद की है, मैं इनको भी मैं बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत के टाइम में जो काम आया है, मैं इनका भी बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरह हम मैं पूरी जमात के तरफ से और हमारे यंग कमेटी मुजावर ब्रदरन के तरफ से मैं ये सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो सफाई कर्मी है और हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर जो चार बैठे हुए है, सादिक है, शाहू बोल के है और बसुराज बोल के है, इन्होंने जो हमारे मेरे एरिया में जो लॉज में रखे हुए क्वारंटाइन में रोज़ाना सुबह 4 बजे आकर साफ़ सफाई करना, उनकी देखभाल करना, फिर रात में तक उनको जो भी लगता है उनको दवाई मारना, फिर हमारे जो सफाई कर्मी है उनको भी उनकी भी देखभाल करना, उनको जो लगता है रात भर उनको एक जगह रखना, मैं इनका हमारे कॉरपोरेशन के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा इलेक्ट्रिक मीडिया है, जैसे हमारे क्रैम न्यूज़ वाले है और हमारे इत्याद न्यूज़ वाले है, हमारे इन बलगाम जो सुबानी है वो भी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे हज़रत शाह कताल वली मोहल्ला तंजीम कमेटी की जानिब से हमारे बाबूलाल साहब जो एक्स कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने जो है तमाम इसका इंतज़ाम किया है, और हमारे थ्रू यानी जमात के थ्रू जो है इनका शुक्रिया अदा करने के लिए, वो जो यहाँ पर सफाई के वॉरियर्स हैं, काम करने वाले हैं, जो इंतज़ाम किए हैं, उनको जो है तोहफा देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। और हमारे फैरोज नूरुद्दीन सेठ साहब जो है एक्स MLA, उन्होंने जो है जब से ये कुरान चालू हुआ है उस वक्त हमारी कौम को जो है अपने ज़रिए बताते आ रहे हैं, और हमारी कौम भी जो है उनकी बातों को जो है फॉलो कर रहे हैं। इसका एक ही इलाज है कि डिस्टेंस, यानी अलग अलग डिस्टेंस रखो और अपने आप का ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो। तो उसकी उनकी बातों पर अमल करते हुए हमारी जो रमज़ान ईद थी, वो रमज़ान ईद भी जो है लॉ ये जो है कानून के तहत उसका ख्याल रखते हुए और उनकी बातों का ख्याल रखते हुए उसे सादगी से मनाया। ईद भी जो है बहुत ही सादगी से मनाई, और हमने ये साबित कर दिया
कि हम जो है मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं और अपने लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए जो है हम जैसे ये डिस्टेंस रखा गया उसे अमल किया है। साथ ही साथ ये जो सफाई के वर्कर्स हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और नौजवान जो हमारे मोहल्ले के नौजवान हैं, साथी हैं, जमात के मेंबर्स हैं, जो इस मीटिंग को जो है कामयाब बनाने में और साथ देने में, उनकी हिम्मत अफजाई करने में जो है साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।